ये है Xiaomi का नया स्मार्ट टीवी 5A। ये तीन साइजेस में अवेलेबल है, 32 इंचेस, 40 इंचेस और 43 इंच। ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये 43 इंच वेरिएंट है। ये स्मार्ट टीवी फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है, प्रीमियम बेजललेस डिज़ाइन है, 24 वॉट का स्पीकर है, डॉल्बी ऑडियो और DTS:X साउंड सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ये सारे एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। सबसे पहले मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। वैसे जो इंस्टॉलेशन है आपको फ्री में मिलने वाला है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं, खुद इंस्टॉलेशन मत कीजिए। तो बॉक्स में टीवी के अलावा आपको ये इंस्टॉलेशन गाइड मिलने वाला है। ये प्लास्टिक स्टैंड दिया हुआ है। वैसे Xiaomi का जो टीवी होता है इसके साथ में आपको वॉल माउंट किट नहीं मिलता है। अगर आपको उसे ख़रीदना है तो आप उसे अलग से ख़रीद सकते हैं। वॉल माउंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ये कुछ स्क्रूज़ हैं स्टैंड को लगाने के लिए। ये है बैटरी इस Xiaomi का जो रिमोट है इसे ऑपरेट करने के लिए। अभी जो रिमोट है उसी प्रकार का है जैसे कि आपको Xiaomi के TVs के साथ में मिलता है। बहुत ही मिनिमल बटन्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Netflix, Prime Video, Disney Hotstar और ऐप्स के लिए डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। और ऑफ कोर्स ये Google Assistant वॉइस कंट्रोल के साथ में भी आता है। ये बेसिकली ब्लूटूथ रिमोट है। पावर कॉर्ड इस टीवी के साथ में अटैच्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पर RJ45 पोर्ट है, AV पोर्ट दिया हुआ है, दो HDMI पोर्ट्स है, एक एंटीना पोर्ट है और दो USB पोर्ट्स दिया हुआ है। ये जो दो HDMI पोर्ट्स है इनमें से एक आँख सपोर्ट करता है। टीवी का सेटअप मैंने कर दिया है। इसमें एंड्रॉयड टीवी 11 रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और ये है एंड्रॉयड टीवी का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। अगर आपको इसे चेंज करना है, पैच वॉल इंटरफेस में जाना है, जो कि मुझे लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए, तो ये देखिए ये है पैच वॉल इंटरफेस। और यहाँ पर आपका जो टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसे काफ़ी हद तक ये चेंज करने वाला है। ये देखिए आपको बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट में जो कंटेंट है वो दिखता है। और जैसे जैसे आप टीवी का उपयोग करने लगेंगे, जो कंटेंट आप ज़्यादा देखते हैं, जिस प्रकार के कंटेंट आप ज़्यादा देखते हैं, उस प्रकार का रिकमेंडेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो पैच वॉल है, पैच वॉल 4, ये IMDb रेटिंग के साथ में भी आता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए IMDb रेटिंग दिया हुआ है, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि जो कंटेंट आप वॉच कर रहे हैं लोगों ने उसे कितना पसंद किया हुआ है। और ये देखिए ऊपर ये ऑप्शंस है, मूवी है, शो, लाइव, स्पोर्ट्स है, किड्स, म्यूज़िक, डिस्कवर। तो ये जो पैच वॉल इंटरफेस है, एक बार आपने यूज़ करना शुरू कर दिया उसके बाद में आपको ये जो ऑर्डिनरी इंटरफेस है इसमें आपको इतना मज़ा नहीं आने वाला है। तो पैच वॉल एक यूनिक चीज़ है जो कि आपको Xiaomi के TVs के साथ में मिलता है। और यहाँ पे भी अगर आप मूवीज़ में जाएंगे तो नीचे देख सकते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड कैटेगराइजेशन किया हुआ है। और अगर आप पैच वॉल के होम स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए मूवी कलेक्शन का जो ऑप्शन है, शॉर्ट फिल्म्स, किड्स के लिए, IMDb टॉप मूवीज़, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा बेस्ट मूवीज़, टॉप हिंदी मूवीज़, हॉलीवुड फेवरेट वगैरह वगैरह। तो नेविगेशन काफ़ी आसानी से आप इस टीवी पर इस पैच वॉल इंटरफेस के साथ में कर पाएंगे। ये 43 इंच साइज़ है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है, प्रीमियम मेटल बेजललेस डिज़ाइन है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि जो टीवी है इसका जो साइड है ये नहीं है, मतलब कि ज़्यादा एरिया जो स्क्रीन है इसने ले लिया है। ये आपका बेसिकली जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसे काफ़ी बढ़िया बनाता है। ये डुअल बैंड वाईफाई के साथ में आता है और इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। जो HDMI में आँख फीचर दिया हुआ है और ये डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू सपोर्ट करता है, तो आप साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और मैं आपको ये ऑडियो और वीडियो सुनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि ये जो टीवी है इसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे ये क्वाड कोर पावर्ड है और इसमें 1.5GB रैम है, 8GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, क्रोमकास्ट इसमें बिल्ट इन है और 24 वॉट का स्पीकर है। अब मैं आपको कुछ कंटेंट सुनाता हूँ। We would like to present you all with a hypothetical situation. He's testing through the roof. That'd be the best I've ever seen. किसने क्या पहन रखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अपने गेम पे ध्यान दे। ये वॉइस इनपुट भी सपोर्ट करता है, तो जो रिमोट है उसका उपयोग करके मैं प्ले 4K कंटेंट ऑन YouTube। तो ये लीजिए 4K कंटेंट प्ले हो रहा है। वैसे ये फुल HD में प्ले हो रहा है क्योंकि ये जो टीवी है ये फुल HD रेजोल्यूशन ही सपोर्ट करता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है।
वैसे अगर आपका 4K रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके घरों में फुल HD मोर देन सफिशेंट है। और वैसे भी जो कंटेंट काफ़ी लोग प्ले करते हैं या सब्सक्राइब किया हुआ है वो फुल HD रेजोल्यूशन में ही है मैक्सिमम। तो फुल HD TV आई थिंक मोर देन सफिशेंट है। अगेन जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका वैसे रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। ये देखिए जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। इस TV का व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप साइड से व्यू कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि जो क्लैरिटी है काफ़ी अच्छी है। तो ये है Xiaomi Smart TV 5A, 32, 40 और 43 साइजेज़ में अवेलेबल है। और इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 15,499 रुपीज़। ये 32 इंच वेरिएंट का है। ये जो 43 इंच वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 25,999 रुपीज़। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये TV आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आप 4K TV खरीदना पसंद करेंगे या फिर फुल HD TV। देखते रहिए।